नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच तो हम हार गए। पहले टेस्ट मैच में तो हमारे साथ जो हुआ वो सबने देखा, किस तरीके से 46 रनों पर हम आउट हो जाते हैं। टिम साउदी आकर नीचे हमारी रेल बना देते हैं हमारे गेंदबाजों की। उसके बाद में न्यूजीलैंड किस तरीके से हमें हराती है, रचिन रविंद्र का तोड़ टीम इंडिया निकाल ही नहीं पाती है। लेकिन अब बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं, और संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि गौतम गंभीर की टेंशन बढ़ गई है भैया। टेंशन बढ़ा दिया सरफराज खान ने, सरफराज खान ने गौतम गंभीर की टेंशन बढ़ा दी है। और उधर से फिर वॉशिंगटन सुंदर आ गए हैं, मतलब मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बुरा फंसता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में बहुत बड़े गंभीर बदलाव होने वाले हैं, बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। टीम इंडिया का तख्ता पलट हो सकता है दूसरे टेस्ट मैच में, क्योंकि अब एक बात बताइए, 150 बना दिए सरफराज ने, बाहर तो जाएंगे नहीं, सीधी सीधी सी बात है। और गौतम गंभीर जो है अगली बार मैच में, शुभमन गिल क्योंकि पहले मैच में बीमार थे तो शुभमन गिल दूसरे मैच में अंदर आएंगे, सीधी सीधी सी बात है। अब शुभमन गिल अंदर आएंगे, सरफराज भी रहेंगे तो बाहर कौन जाएगा। और उधर से फिर अचानक पैरासूट से आ गए हैं वॉशिंगटन सुंदर, पैरासूट से अचानक आ गए उतरकर। अब जैसे ही वॉशिंगटन सुंदर की दूसरे टेस्ट मैच से पहले एंट्री हुई भैया, सवाल खड़े होने लगे कि क्या कारण है, क्यों, आखिर क्या रविचंद्रन अश्विन बीमार है, क्या रविचंद्रन अश्विन फिट नहीं है, क्या अश्विन को लेकर कोई बड़ी खबर आने वाली है इसीलिए वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है, या फिर टीम इंडिया प्लेइंग 11 में कुछ बड़ा करने वाली है, आखिर क्या प्लान है टीम इंडिया का, क्या गौतम गंभीर ज्यादा गेंदबाजों के साथ जाना चाहते हैं, क्या गौतम गंभीर क्या राहुल को बाहर बैठाकर सरफराज को खिलाना चाहते हैं। तो चलिए प्लेइंग 11 क्या होगी इस पर डिस्कस कर लेते हैं। प्लेइंग 11 क्या, रोहित शर्मा यहां पर, अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा यहां पर कैप्टन है, रोहित शर्मा यहां पर रहने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रोहित शर्मा को लेकर। रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल आएंगे नंबर दो पर, लेकिन यहां पर नंबर तीन पर जो खबर है वो ये है कि नंबर तीन पर आपके यहां पर सरफराज खान आपको नजर, शुभमन गिल नंबर तीन पर, शुभमन गिल आपको नजर आएंगे, जो बाहर बैठे थे ये नंबर तीन पर आपको नजर आ जाएंगे शुभमन गिल। नंबर चार पर आपके सरफराज खान नजर आएंगे, या फिर विराट कोहली नंबर चार पर आपको नजर आ सकते हैं, नंबर पांच पर आपको सरफराज खान नजर आ सकते हैं। तो नंबर एक पर रोहित शर्मा, नंबर दो पर यशस्वी जायसवाल, नंबर तीन पर शुभमन गिल, नंबर चार पर विराट कोहली, नंबर पांच पर सरफराज खान। अब आप कहेंगे कि भैया बाकियों का क्या होगा, नंबर छह पर आपके ध्रुव जुरैल आ जाएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत को लेकर खबर है कि ऋषभ पंत बाहर हो सकते हैं, उनको एक टेस्ट मैच का आराम दिया जा सकता है क्योंकि वो चोटिल थे, इसलिए ऋषभ पंत बाहर हो सकते हैं। तो ऐसे में नंबर छह पर आपको ध्रुव जुरैल नजर आएंगे। अब बात होती है पांच खिलाड़ियों की, क्योंकि छह खिलाड़ी तो हो गए हैं, अब पांच खिलाड़ी कौन होंगे, तो पांच खिलाड़ियों को लेकर खबर है कि केएल राहुल बाहर जाने वाले हैं। उसके बाद में खबर क्या है कि यहां पर फिर आपके रविंद्र जडेजा नंबर सात पर आ जाएंगे, नंबर आठ पर आपके रविचंद्रन अश्विन नजर आ सकते हैं, नंबर आठ पर रविचंद्रन अश्विन नजर आएंगे, नंबर नौ पर आपके जसप्रीत बुमराह, नंबर दस पर आपके मोहम्मद सिराज, और 11 पर आपके खबर है कि सुंदर नजर आ सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को इसीलिए लिया गया है, क्यों लिया गया है, क्योंकि टीम इंडिया ने देख लिया कि भैया बल्लेबाजी तो है ही नहीं, निचले क्रम पर कौन बल्लेबाजी करेगा, तो यहां पर प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर एक अच्छे ऑलराउंडर है, रविंद्र जडेजा नहीं चले, अश्विन नहीं चले, तो कोई तो ऐसा खिलाड़ी होता जो निचले क्रम पर खेलता, कोई था ही नहीं, कुलदीप यादव नहीं कर पाए, उसके बाद में बुमराह नहीं चल पाए, उसके बाद में आपके सिराज नहीं चल पाए, कोई कुछ कर ही नहीं पाया। अगर वहां पर टीम इंडिया थोड़े से रन 50-60-70-80 रन और बना देती, 200 रनों के आसपास पहुंच जाती, तो इस मैच में कुछ हो सकता था, लेकिन मैच में कहां से होता, आप तो ज्यादा बड़ी लीड दे ही नहीं पाए। तो यहां पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में यह बदलाव हो सकता है, केएल राहुल बाहर जा सकते हैं, ऋषभ पंत चोट की वजह से बाहर हो सकते हैं, आपको ध्रुव जुरैल नजर आ सकते हैं, और उसके बाद आपके कुलदीप यादव को बाहर करके अक्षर पटेल को मौका दिया जा सकता है। यह बहुत बड़ा बदलाव टीम इंडिया में हो सकता है। वॉशिंगटन सुंदर एकदम अचानक आए, और जैसे वॉशिंगटन सुंदर एकदम अचानक आए, एकदम से चर्चा शुरू हो गई कि भाई साहब आखिर लॉजिक क्या है, क्यों वॉशिंगटन सुंदर की जगह क्यों, क्या रविंद्र जडेजा के ऊपर गाज गिरेगी, या फिर अश्विन के ऊपर गाज गिरेगी, या फिर दोनों को रख के कुलदीप यादव के ऊपर गाज गिरेगी। यह इस वक्त की चर्चा जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन खबर है कि केएल राहुल को बाहर किया जाएगा, केएल राहुल के साथ की जगह आपके आने वाले हैं शुभमन गिल, और भाई साहब सरफराज खान जो है वो खेलने वाले हैं। यह प्लेइंग 11 जो है दूसरे टेस्ट मैच की टीम इंडिया की रहने वाली है। तो आपका टीम इंडिया की इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है, इन बदलावों को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, क्या आपको लगता है कि राहुल को बाहर
कर देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि कुलदीप को बाहर करके वॉशिंगटन सुंदर को मौका देना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।